वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, तो लेट्स सी हमारे स्कॉर्पियो साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है. थैंक यू स्कॉर्पियो. One more time, please. And Shanya. All right, thank you very much. So, आपके लिए पहला कार्ड है फोर ऑफ वॉन्स एंड वी हैव डेथ कार्ड, जो आप ही की ऊर्जा है बेसिकली. ओके, मेन थीम आपकी रीडिंग की. आपका ब्लॉकेज क्या है यहाँ पर? नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. ओके, दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड. आपकी पोटेंशियल है इस वीक की जजमेंट कार्ड एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स. और आपका फाइनल जो एडवाइस है यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एम्प्रेस कार्ड. एनर्जी तो बहुत ही नर्चरिंग और बहुत ही पॉजिटिव है. टू बी ऑनेस्ट, ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट है आपको. जैसे कहते हैं ना कि ऊर्जाएं भी आपका साथ देंगी इस वीक में. बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है. वाओ, वी हैव टू ऑफ कप्स. ओके, ये बिहाइंड द सीन की एनर्जी है. तो कुछ है जो आपका होना चाहता है. ये कोई ख्वाब है, कोई शख्स है, वो आपकी सिचुएशन पर निर्भर करता है. अच्छी सेहत भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन, एक पॉजिटिव आउटकम जो होता है बिहाइंड द सीन आपके लिए यहाँ पर मौजूद है. तो ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है. एलिफेंट्स की ऊर्जा भी बहुत सारी ऐसी मेमोरीज के बारे में बात करती है जिसमें नरिशमेंट है. ऐसी यादें जो हमें जब हम सोचें तो हमें आनंद मिले, हमारी आँखें भर आएँ, या फिर हम बहुत ही यू नो ग्रेटफुल हों अपनी इस लाइफ के लिए या इन लोगों के लिए जिनसे हम मिले हैं. सो यस, एक बहुत ही प्यारी ऊर्जा है आपके लिए. आपका जो मेन थीम है इस रीडिंग का वो है फोर ऑफ वॉन्स एंड डेथ कार्ड. तो ऐसा लगता है कि आपके स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है. आप जिस तरीके से अपने 24 आवर्स में आगे बढ़ रहे हो, जो जिस तरीके से भी अपना काम कर रहे हो, इस वीक में एक बड़ा परिवर्तन आप उसमें देख सकते हैं. ये भी हो सकता है कि आप कॉन्शियसली परिवर्तन लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, विच मीन्स कि कुछ स्कॉर्पियंस को यहाँ पर होगा कि यू नो, मैं एक ही रूटीन में काम कर रहा हूँ और जीवन में यू नो, बस एक ही रफ्तार चल रही है, तो चलो कुछ नया ट्राई करते हैं. तो अगर आप इस धारणा इस माइंडसेट में हैं तो यस, आई फील लाइक कि आप उसमें सफल रहेंगे. और इन केस अगर कुछ स्कॉर्पियोज यहां पर एक नई न्यू बिगनिंग के इंतजार में हैं या एक परिवर्तन के इंतजार में हैं, तो कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट है इस वीक में आपके लिए जो आपको एक नई बिगनिंग के साथ या एक नई रूटीन के साथ जुड़ने में मदद करेगा. और डरिए मत कि अगर आपको ये लग रहा है कि पता नहीं ये अनएक्सपेक्टेड चेंज कुछ बुरा होगा. नहीं, ये जो भी ऊर्जा है फोर ऑफ वॉन्स की बेसिकली, तो ये जो भी बदलाव है अनएक्सपेक्टेड चेंज, ये आप पाकर खुश ही होंगे. आपको ऐसा सोच नहीं होगा कि ओ माय गॉश ये चेंज क्यों आया. ओके, आपको खुशी ही मिलेगी. मुझे ऐसा भी लगता है कि रिश्ते नाते, फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, यू नो, इन चीज़ों को भी इन सब चीज़ों को भी आप यहाँ पर ठीक करने की कोशिश करेंगे, उनमें खुशियाँ ऐड करने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी रिश्ते को एक नया नाम देने की भी कोशिश करना कि हाँ यू नो, अब तक हमारा जो भी ये रिलेशनशिप रहा है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है. ओके, तो यहाँ पर एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है स्ट्रक्चर को लेकर. मुझे कहीं ना कहीं कुछ लोग सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी पढ़ाई की सक्सेस को भी. तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं या किसी किस्म के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आपको गुड न्यूज़ इस वीक में देखने को मिल सकती है. ओके, सो कंग्रेचुलेशंस. आपका जो ब्लॉकेज है इस वीक का ये थोड़ी सी इंटेंस एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स की और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, कि जल्दबाजी से पहले तो बचिए. कुछ भी यहाँ पर जल्दबाजी में करने की ज़रूरत ही नहीं है. चीज़ें अच्छी हो रही है ना,
तो क्यों यहाँ पर पोक करना है किसी चीज़ को, क्यों किसी चीज़ को उकसाना है यहाँ पर। मैं यहाँ पर कम्युनिकेशन का भी आपको थोड़ी सी एक सलाह दूंगी कि कम्युनिकेशन भी ना स्पष्ट रखना, सिंपल रखना, और किसी को उकसाने की कोशिश मत करना। फिर चाहे कोई मजाक करने की भी अगर आपकी आदत है कि मजाक बजाक में कभी कभी हम कुछ लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, इस वीक में वो मत करना क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रिगरिंग चल रही है, या फिर वो किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आपका मजाक आपको ही भारी पड़ सकता है। फिर चाहे आपने उसे अच्छे भाव से ही किया है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका मन मैला है और इस वजह से आप लोगों को सिर्फ तंग करने के लिए वो बात कहेंगे, नहीं, कभी कभी हम अपनी तरफ से तो मतलब सही इंटेंशंस होती हैं, लेकिन सामने वाला ही किसी सिचुएशन से गुजर रहा होता है तो वो चीज़ फिर थोड़ा उल्टा पलट जाती है, तो वो मत करना। कम्युनिकेशन साफ रखना और अपने भी एक्शंस में जल्दबाजी करने से बचना। जो प्रोसेस जितना समय ले रहा है उसे उतना ही देना। मैं यहाँ पर रूल्स को भी फॉलो करने को कहूँगी आपको कि रूल्स वगैरह तोड़ने की कोई कोशिश मत करना, खास करके ये ट्रैफिक रूल्स हो सकते हैं। ओके, राइट ऑर्डर में जितना चीज़ों को रखोगे उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी चालाकी या फिर कि हाँ मैं थोड़ा सा माइंड की खुराफाती दिमाग की इन बातों को सुन के कुछ जल्दबाजी करने की कोशिश करता हूं, तो फिर टावर भी आएगा आपके लिए। ओके, तो रीडिंग देख रहे हो तो पहले से सचेत हो जाओ यहां पे। मैं ये भी एक चीज कहूंगी कि ओवरथिंकिंग से भी बचना। अगर आपको मान लीजिए कि मन में बहुत ऐसा लग रहा है कि विचार चल रहे हैं, लिखने बैठ जाओ, उनको कलम के साथ कागज पर उतार देना वो ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए। अगर आपने उसे दिमाग में ही अपने इतनी जगह बनाकर उसको दे दी और आप इतना सोचते रहे उस चीज़ के बारे में, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो ओवरथिंकिंग से बचना, खास करके रात को अगर ये प्रॉब्लम है आपकी तो रात को आप जर्नलिंग वगैरह कर सकते हैं 5-10 मिनट। ओके, आपकी पोटेंशियल तो बहुत ही सुंदर है इस वीक की। जजमेंट कार्ड है और 3 ऑफ वॉन्स है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्कॉर्पियोज जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत इंटेंस हो सकता है। यहाँ डेथ कार्ड की भी मेन ऊर्जा आई है, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है, राइट? सो यस, स्कॉर्पियोज इस वीक में चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक की जा सकती हैं, चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया जा सकता है। इस चीज़ की आप कितने रेडी हैं पुरानी चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए। अगर आपकी अटैचमेंट्स की प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए कि इसी के साथ ही आपको इसको ही ओवरकम करना है इस वीक में, क्योंकि अगर आपने अपनी अटैचमेंट्स को ओवरकम कर लिया तो जो भी अननेसेसरी चीज़ें आपके जीवन में जगह ले रखी हैं, दिमाग में, फ़ोन में, जीवन में, एहसास में, फीलिंग्स में, वो सब चीज़ें अपने आप को धीरे 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 रिलीज़ करना शुरू करेंगी। आप यहाँ भी देख सकते हैं जजमेंट कार्ड में कि वो ओल्ड स्किन जो है, क्योंकि अब वो सर्व नहीं कर रही इस अवतार को, है ना, तो वो उसको पीछे छोड़ के एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है, एक नई बॉडी के साथ रीजनरेट करना किसी चीज़ का, बेसिकली रीजनरेशन। तो यस, इसकी पोटेंशियल है। मैं एक चीज़ आपको बॉडी का भी कहूँगी कि आप इस वीक की पोटेंशियल है कि आप अपनी बॉडी के लिए भी कुछ करना शुरू करें, एक बॉडी को बढ़िया शेप देना, थोड़ा सा मजबूत बनना, थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ाना अपना। ओके, तो उसके लिए भी अगर आप अपने शरीर के लिए कोई जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या योगा क्लासेस चाहते हैं या फिर अपने ही तरीके से कोई कस्टमाइज कोई अपना रूटीन चाहते हैं कि इतना समय मैं दिन का दूंगा ही दूंगा और नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए ये गोल मेरा पक्का है, कुछ हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, मैं इस गोल को तो पूरा करूंगा ही करूंगा, बेसिकली वो पोटेंशियल है इस वीक में। ओके, नए गोल सेट किए जा सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्स से कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी भी मिलेगी इस चीज़ की कि आप ट्रैवल कर सकें। ये पैसा भी हो सकता है कि आपके पास वो पैसा अवेलेबल हो, फंड्स अवेलेबल हो, जिसकी वजह से जो ट्रैवल आप पहले नहीं कर पा रहे थे वो इस वीक में आप कर पाएंगे और ये चीज़ भी आपको बहुत आनंद देगी, बहुत सुख देगी। मुझे ऐसा भी लगता है 3 ऑफ वॉन्स से आपकी तरफ भी कम्युनिकेशन आने वाली है इस वीक की पोटेंशियल में, अगर ये कार्ड आया है। ओके, तो किसी ना किसी से कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन जिसमें बहुत सारी पैशनेट एनर्जी को आप महसूस करेंगे। तो यस, कोई पर्सन है यहाँ पर जो दिल खोल के आपके साथ बात करना चाहता है, तो यस, एक ऊर्जा ये हैप्पीनेस की आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आपकी फाइनल एडवाइस में है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ये है गिवर एनर्जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ये वीक में ना जितनी अपनी अच्छी एनर्जीज हैं वो लोगों के साथ शेयर करो, लोगों को पता लगने दो कि तुम कितने प्यारे इंसान हो, तुम कितने अच्छे इंसान हो। यहाँ पर अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो इस इंटेंशन के साथ कि बदले में चाहे मुझे कुछ ना मिले,
ओके ये है दान पुण्य वाली एनर्जी। अभी श्राद्ध भी चल रहे हैं ना, तो शायद हो सकता है कि उसकी भी ऊर्जा, उसकी वजह से भी ये एनर्जी आई हो कि आपको कहा जा रहा है यू नो निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, दान पुण्य कीजिए, है ना। तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आप रिसीव कर सकते हैं। तो ये आपका जो ये आपके ये जो ममता में ऊर्जा है ना, किसी के साथ ही इसे अगर बांटने का मौका मिले तो ज़रूर दें। मुझे सच में ऐसा लगता है कि इस वीक में आप जिन लोगों के साथ डील करोगे उन लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा होगा, कोई ना कोई कठिन दौर से वो ज़रूर गुजर रहे होंगे। तो किसी के साथ बैठकर यू नो बात करना, किसी से पूछना कि हाँ आपको आप ठीक हो, आपको कुछ दिक्कत तो नहीं है, कुछ कहना चाहते हो, यू नो एक बस यही चीज़ का आसरा होता है। कभी कभी लोगों को पैसे की नहीं बल्कि कि हाँ मेरी बात को कोई सुन ले, इस एहसास की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी की मदद कर सकते हो ज़रूर कीजिए, दान पुण्य भी बहुत अच्छा रहेगा, अपनी माँ की सेवा करना खास करके बहुत अच्छा रहेगा। द एम्प्रेस एनर्जी से उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट आप दे सकते हो, ओके ये चीज़ें आपको ही बेसिकली बहुत सारी खुशियाँ प्रदान करेंगी। ओके नाउ लेट्स सी अगर आपके लिए यहाँ पर ओरेकल कार्ड से भी कोई गाइडेंस है स्कॉर्पियो। वन मोर टाइम प्लीज, गो विद द फ्लो। मैंने आपसे क्या कहा, आपकी पतो आपके ब्लॉकेजेस में यही आया है ना कि भागो मत, यहां पर वो घोड़े नहीं दौड़ाने हैं किसी चीज के, आराम से काम करो, आराम से बात करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, किसी पर हावी होने की कोशिश नहीं करना। दूसरों के साथ खास करके जब डील कर रहे हो दूसरों को स्पेस दो कि वो भी अपने मन की बात रख सकें। किसी के जब आप किसी से बात कर रहे हो तो किसी की बात को काटो मत, ये सारे मैनर्स होते हैं, अच्छे मैनर्स, और उसी चीज के लिए आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, सुनो समझो बातों को, उसी में ही सारा ज्ञान छुपा हुआ है। प्रकृति से भी यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे कि प्रकृति भी इस वीक में गुरु का काम करेगी आपके लिए। ओके यहाँ पर फ्लो की एनर्जी है, तो अगर किसी लिहाज से अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो ऐसी जगह पर कीजिए जहाँ पर नदी वगैरह है कोई, वो चीज़ भी ना आपको डिटॉक्स करने में भी मदद करेगी। ओके फिर है आपके लिए मैलाकाइट, इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म। और मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ कि भर भर के यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की अवेकनिंग की एनर्जी है। अगर आप स्पिरिचुअली भी किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ना, आपको आप इस वीक में कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षण किसी ना किसी पल में आनंद ज़रूर महसूस करेंगे, सुख एक जो अनुभूति होती है ना वो आप ज़रूर महसूस करेंगे। जो लोग खास करके बहुत इंटेंस स्पिरिचुअल साइकिल्स यू नो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, तो ये इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म, बदलने का समय आ गया है। मुझे अभी सुना विकास, तो जैसे यू नो विकास होना, यू नो जैसे कुछ बढ़ना, किसी चीज़ का बेटर वर्जन मैनिफेस्ट होना, तो यस उसका समय आ गया है स्कॉर्पियो, प्लीज़ इस एनर्जी को अलाउ कीजिए। ओके टाइगर्स आई, ओवरकम योर फियर्स। इस वीक में अपने डर को भी थोड़ा सा फोकस में लेकर आओ, खुद से सवाल पूछो कि मुझे किन चीज़ों से डर लगता है और उनके रिगार्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डर को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर डर की वजह से भी अपना मन आपका ऐसा लग रहा है कि बात नहीं रख पाते, तो समय आ गया है अपने आप को बदलने का। ओके सो यस, ओवरकम योर फियर्स। अगर कुछ लोगों के ये फोबिया वगैरह भी हैं तो थोड़ा सा ट्राई करो एटलीस्ट अपने फोबिया को फेस करने का। अगर आप किसी से प्रोफेशनली भी हेल्प ले सकते हैं तो वो भी आपके ही ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करेगी। तो यहाँ पर प्रोफेशनल हेल्प, किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट के साथ जुड़ना वो बहुत अच्छा रहेगा। सोडा लाइट, स्पीक योर ट्रुथ। तो कम्युनिकेशन फिर से आ रही है कि अगर कुछ कहना है तो मेक श्योर कीजिए कि वो उसमें सच्चाई हो। ओके वो सच हो, वो आपका सच हो। अगर आप यहाँ पर किसी डर की वजह से ही अपना जो अस्तित्व है उसको भी किसी और ढंग से पेश कर रहे हो, तो इस वीक में आप एक नई ऊर्जा का स्वागत कर सकते हो अपने सच को कबूल करके और लोगों को भी इसके बारे में बता के कि यस ये मेरी रियलिटी है और अब से मुझे इसी सच में जीना है। सो स्पीक योर ट्रुथ। कम्युनिकेशन में भी अगर आप सामने वाले से सच चाहते हैं तो पहले अपना सच उसे बताइए, अपनी ट्रू फीलिंग्स उसे बताइए, सामने वाला अपने आप से ओपन अप होगा। ओके सो यस स्कॉर्पियो, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और यस अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर,
बाय।